प्राचीन धार के राजवंशों में मौर्य साम्राज्य का प्रतापी सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी एवं आश्रयदाता रहा है। उसके 13वें अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग विजय की रक्तिम क्रीड़ा ने उसकी राज्य विजयलिप्सा को धर्म विजय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। बौद्ध धर्म के स्पर्श से ही वह सम्राट से ही प्रियदर्शी बन गया था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपने राज्य में धर्म प्रचारक भेजे थे। स्थान पर तथागत की कल्याणमयी वाणी को उत्कीर्णित करा के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया। उसने वृक्ष लगवाए, कूप खुदवाए और चिकित्सालय बनवाए। निष्कर्ष यह रहा कि अशोक ने अपना सारा जीवन और साम्राज्य की सारी शक्ति उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं उसके उच्चादर्शों को चमकाने में लगा दी। प्रस्तुत शोध पत्र में सम्राट अशोक की महानता एवं उसके कार्यों द्वारा स्थापित शिलालेख एवं बौद्ध धर्म का किस प्रकार प्रचार प्रसार किया है, लोकहितकारी संदेश को अशोक ने धरती में फैला देने का भी महान कार्य किया, मनुष्य मनुष्य के कानों तक इस शुभ संवाद को पहुंचा सकने में वह जो कुछ कर सकता था उसने किया। सम्राट अशोक के उत्तरकालीन राजवंशों ने भी इस प्रचार कार्य में भरपूर योगदान किया। कुषाण राज्य के संस्थापक कनिष्क ने उसके बाद उदारनीतिक गुप्त राजाओं ने अशोक द्वारा परिवर्तित इस धर्म प्रचार कार्य को मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, वर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया आदि दूर देशों में प्रचारित प्रसारित करवाया। इन देशों में बौद्ध धर्म की जो अटूट परंपरा सहस्राब्दियां बाद आज भी बनी हुई है, यह सब पहुंचाने वाले भारत के यही राजवंश थे। संस्कृत साहित्य का इतिहास, वाचस्पति गैरोला, प्रकाशन चैखम्बा विद्यावन प्री ओ 313-314 डॉ स्मिथ। एक अशोक का राज्याभिषेक में 4 वर्ष 269-0 तक का विलंब हुआ। यह संभव हो सकता है कि अशोक का उत्तराधिकार विवादों में रहा हो, उसके लिए खूब खून खराबा रहा हो, क्योंकि उसका बड़ा भाई सुमिस उसका प्रतिद्वंदी था, किंतु उत्तराधिकार संबंधी कोई प्रमाण नहीं मिलता। जायसवाल 3 ने अशोक के राज्य संबंधी विलंब के बारे में स्पष्ट किया है कि ऐसा लगता है कि मौर्य काल में राज्याभिषेक के लिए युवराज का 25 वर्ष होना एक शर्त थी। 4 प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास, डॉ हेमचंद्र राय चौधरी, प्रीशून्य 222 ईसा से पहले की 5 शताब्दियों में भारतीय इतिहास में जिन व्यक्तियों ने देश की गतिविधियों व परिवर्तन की बहुत सी धाराएं सबसे अधिक प्रवाहित करती हैं, उसमें अशोक का एक विशेष स्थान है। अशोक भारतीय इतिहास में ही नहीं वरन विश्व के इतिहास में एक असाधारण और महान सम्राट के रूप में विख्यात है। वह मौर्य वंश का 3रा सम्राट था। वह अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद ही मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ था। अपने उच्च राजनैतिक आदर्शों व सिद्धांतों, धर्म विजय, नैतिकता व दयालुता, सहिष्णुता, उदारता व प्रवाहित चिंतन, काल एवं संस्कृति की सेवा जैसे कार्यों से भारतीय इतिहास की वह निश्चय ही अतुलनीय विभूति है। प्राचीन भारत का इतिहास, शिव कुमार गुप्त, प्रकाशक पंचशील प्रकाशक, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर 3020-03, प्री 0212। अशोक के अभिलेखों में धर्म शब्द का प्रयोग अनेक जगहों पर होता है। अशोक धर्म शब्द का तो नाम लेता, लेकिन विशेषताएं बताता है। 1, अनुकरणीय, जिसका मनुष्य को अनुसरण करना चाहिए। 2, वर्जनीय, जिससे मनुष्य को बचना चाहिए, जो अनुकरणीय है वह धर्म है और जो वर्जनीय है यह अर्धम है, आसिनव है, पाप है। राज्यारोहण के 9वें वर्ष उसने कलिंग के शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण किया। भीषण संग्राम और भयानक नर्क सहार के बाद उसे विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में लगभग 1,00,000 लोग मारे गए, 1,50,000 बंदी बनाए गए और सहस्रों घायल हुए। घायलों की चीख,
पुकार व विधवाओं के विलाप और अनाथ बालकों के करुण क्रंदन का उस पर भारी प्रभाव पड़ा। उसका हृदय करुणा से ओत प्रोत हो गया। उसने इस भीषण रक्तपात और भारी जन सहार का प्रमुख कारण अपने आप को ही माना और भविष्य में युद्ध न करने का दृढ़ निश्चय किया। अशोक के बौद्ध होने का प्रत्यक्ष प्रमाण उसके चतुर्दश शिलालेख में से 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने बौद्ध मत के व्यवहारिक पक्ष के समर्थक सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। उसने जिस धर्म का प्रचार किया वह अशोक का धर्म का प्रचार किया वह अशोक का धम्म कहा जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास डॉ विपिन सिन्हा ज्ञानदा प्रकाशन सी एनडी नई दिल्ली 134-335 अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचारार्थ यात्राओं से प्रारंभ किया। वह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्धगया की यात्रा पर गया। यह उसकी पहली धर्म यात्रा थी। अपने 14वें वर्ष में नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा निगाली सागर में जाकर उसने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया। 20वें वर्ष वह बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी ग्राम गया और वहां शिलान्यास स्थापित करवाया तथा पूजा की। वहां का कर घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के इन कार्यों का जनता के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुई। अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। अशोक ने अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को भी धर्म प्रचार के काम में लगा दिया। स्तंभ लेख 3 एवं 7 से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट रज्जुक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों के दौरे पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ जनता में धर्म का प्रचार किया करते थे। धर्म प्रचार के उपदेश से अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म श्रावण धर्म सावन तथा धर्मोपदेश धम्मानुष्ठी की व्यवस्था करवाई। उसके साम्राज्य के विभिन्न पदाधिकारी जगह जगह घूमकर धर्म के बारे में लोगों को बताया करते थे तथा राजा की ओर से जो धर्म संबंधी घोषणाएं की जाती थी। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे धर्म महामात्र धम्म महामात्र कहा गया है। धर्म महामात्र राज परिवार के सदस्यों से धर्म के लिए धनाधि दान में प्राप्त करते थे और राजा द्वारा जो धन दान में दिया जाता था उसकी समुचित व्यवस्था करके उसे धर्म प्रचार के काम में नियोजित किया करते थे। अशोक ने 13वें वर्ष धर्म महामात्र नियुक्त किए और इनका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था। इनका कर्तव्य धर्म की रक्षा धर्म की वृद्धि धम्माधिथानाएं धम्म भिया करना था। धर्म महामात्रों के प्रयास से धर्म की अधिक वृद्धि हुई। अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी। अपने व विदेशी राज्यों में भी मनुष्यों व पशुओं के लिए चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। कुएं खुदवाएं विश्राम गृह बनवाए। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में फलदार वृक्ष लगवाने तथा पुल बंधवाने प्याऊ चलवाने आदि महान पुण्य का कार्य बताया गया है जिसके बल पर मनुष्य स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। अथ अशोक की प्रेरणा तथा कोशिश का प्रतिफल यही रहा कि इन सभी कार्यों का जनमानस पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ विदेशों में भी भेजे। 13वें शिलालेख में वह अपने दूत के नाम गिनवाता है। अशोक के धर्म प्रचार की ख्याति को सुनकर कुछ यूनानी बौद्ध बन गए और पश्चिम एशिया में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्त तिस नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। इस संगीति की
समाप्ति के बाद विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भिक्षु भेजे गए, जिनके नाम महावंश में इस प्रकार प्राप्त होते हैं। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को काफी सफलता प्राप्त हुई। लंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। महेंद्र ने वहां के शासक तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया तथा तिस ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया और स्वयं अशोक ने इस धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था तथा स्वयं अशोक के अनुकरण पर उसने देवानाम्पिय की उपाधि ग्रहण कर ली। अशोक ने स्वदेश व विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और यह अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ ने धर्म प्रचार का यह पहला उदाहरण था और इतिहास में दूसरा उदाहरण उपस्थित नहीं है। के सी श्रीवास्तव प्राचीन।